नमस्कार, ज्ञान न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अदिति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी के बुलंदशहर में चोर टाटा इंडिकैश कंपनी के एक एटीएम को उखाड़ 5 लाख का कैश उड़ाकर फरार हो गए और एटीएम मशीन को एक खत में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस अब एटीएम लुटेरों की तलाश में जुटी है। दरअसल इस एटीएम मशीन को शिवाली से बीती रात लुटेरे उखाड़ ले गए हैं और पास ही के गाँव में सराय छबीला के एक खेत में ले जाकर एटीएम मशीन को तोड़ उसका कैश बॉक्स बदमाश लेकर फरार हो गए और एटीएम मशीन को खेत में छोड़ गए। एसएसपी की माने तो गुरुवार को एटीएम मशीन में 5 लाख रुपए का कैश भरा हुआ था, जिसके बाद कुछ लोगों ने कैश निकाला भी होगा। हालांकि देहात क्षेत्र में लगाई गई इस एटीएम मशीन से कुल कितना कैश बरामद हुआ है या ले गए हैं, ये वारदात को किस गिरोह ने अंजाम दिया है, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। एटीएम को उखाड़ा गया था चोरों द्वारा, सर वो बरामद हुआ है सराय छबीला में। सर क्या किस तरह का ये एटीएम, किस कंपनी का था, कितना पैसा चोरों ने चुराया है? ये टाटा इंडिकैश का एटीएम है जिसपे कोई सुरक्षा नहीं है। 11 मील चौकी क्षेत्र में शिवाली गांव में छोटी सी मार्केट है, उसमें और रात में नीचे 4 बोल थे, उन्हीं बोल को खोल करके इस एटीएम को उठा के ले गए थे और फिर उसमें से कैश निकाल के सराय छबीला के पास बम्बे के किनारे इसको फेंक दिया गया। फिलहाल जानकारी की जा रही है और जो अब तक जानकारी मिली है उसमें यह कैश में लगभग 5 लाख रुपये डाले गए थे, उस रुपये लोगों ने निकाले थे, जो भी धनराशि सही होगी वो 5 लाख से बरामद किया गया। उस समय राशि जी राशि कुछ पता लगा? मैं बुलाया गया है, इंडिकेश वालों को बुलाया गया है और वो देख करके चेक कर उसमें जो पड़ा था उसमें से सर ये बात भी मालूम आ रही है कि जो थाना पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गया है जिसके आधार पर पुलिस ये पता लगा रही है कौन लोग थे, तो प्रयास हम कर रहे हैं और जल्दी ही इसका नाम। सर पिछले दिनों भी एक ऐसी ही